बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये आरंभिक काल जो है इसका थोड़ा सा और इसी में भाग अभी बाकी है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कर पाना काफी मुश्किल काम था, आधे घंटे की पहले ही वीडियो हो चुकी थी। तो आइए इसको देखते हैं कि इस काल में और भी क्या विशेषताएं थी। तो इस काल की एक विशेष उपलब्धि इस साम्राज्य की एक विशेष उपलब्धि निरंतर क्रमिक रूप से विस्तार, ठीक, निरंतर क्रमिक रूप से इनका जो विस्तार होता गया, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही इनके साम्राज्य में। तो जो आरंभिक काल में हम सीख देख चीज अगली और जो देख रहे हैं विशेष महत्वपूर्ण बिंदु, वो ये है कि इनका क्रमिक रूप से निरंतर विकास होता गया, इनकी क्षेत्र इनकी सीमाओं का हमेशा विस्तार होता गया, कोई इनका सामना करने वाला निरंतर मिला नहीं, जब जिधर चाहे इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया क्षेत्र को। आरंभिक दौर में तो सीमा विस्तार के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हुए, लेकिन त्रजान के बाद से लगभग अधिकांश शासक जो हुए उन्होंने अपनी सीमा को विस्तारित करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। आसपास के अनेक राज्यों को रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया। आसपास के बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें रोमन साम्राज्य में विस्तार की नीति के कारण मिला लिया जाता है। ये जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा था, प्रांतों में बटा था पूरा साम्राज्य, और सभी से कर वसूला जाता था, जो भी थे उनसे सबसे टैक्स लिया जाता था, कर वसूला जाता था। कर जैसे अभी क्या होता है, रुपया चलता है, भारत में रुपया चलता है, ऐसे विदेशों में डॉलर, दिनार, रियाल, बहुत सारी मुद्राएं चलती हैं। तो जो यहां पर मुद्रा चलती थी उसका नाम था दिनारिस, ये चांदी का सिक्का होता था, ये चांदी का सिक्का होता था दिनारिस, यही कर में लिया जाता था। उसमें चांदी की मुद्राएं चलती थी, तो चांदी जो होती थी इस सिक्के का नाम होता था दिनारिस। दिनारिस आपको कर में देना, जैसे मान लीजिए आपका कर बना 5 दिनारिस, 10 दिनारिस, 20 दिनारिस, मतलब ये क्या है, 5 सिक्के, 10 सिक्के, 20 सिक्के, ऐसे आपको कर लेना होता था। प्रत्येक सिक्का जो होता था वो 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम का होता था, ठीक है, 4.5 ग्राम का होता था। दूसरी शताब्दी में शासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, उनका जो शासन था वो शक्ति के मामले में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया कब, दूसरी शताब्दी में, ठीक है, 100 वर्ष पूरे करने के बाद और 200 वर्ष पूरे करने से पहले जो बीच का समय रहा है उसमें यह अपने चरमोत्कर्ष को पहुंच चुके थे अपनी शक्ति के मामले में दूसरी शताब्दी में। अब देखने वाली बात यह है कि इतना विस्तृत साम्राज्य है, ऐसे करके अर्धचंद्राकार, यहाँ पर अफगानिस्तान का क्षेत्र मान लीजिए, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र, ये पूरा यूरोप का क्षेत्र मान लीजिए, ठीक, तो ये क्या है, इतना विस्तृत साम्राज्य जो था इस पर ये नियंत्रण कैसे करते थे, यानी नियंत्रण कैसे, ठीक, ये नियंत्रण इस पर कैसे करते थे उसको हम लोग देख रहे हैं। नियंत्रण के लिए नगर स्थापित किए गए थे, नियंत्रण के लिए नगर स्थापित किए गए थे जिससे पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सके, सिंपल सा एक बात,
शहरों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ करना गांव की अपेक्षा आसान होता है। जैसे पहली बात तो अधिकांश लोग आपको वहां पर एजुकेटेड मिलेंगे, नहीं एजुकेटेड मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कामों में व्यस्त मिलेंगे, अनावश्यक समय उनके पास बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो भी है वो कुछ ना कुछ अपने वर्क में लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा वर्ग आपको मिलेगा जो दिन रात मेहनत करता है और एक ऐसा वर्ग मिलेगा जो दिन रात घूमता है। तो ऐसे में जो निरंतर घूमने टहलने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं, वो क्या होते हैं, उपद्रवी प्रवृत्ति के होते हैं। तो जिसके पास कार्य नहीं है वो हमेशा उपद्रव में रहेगा, उस पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो किसी काम में है, किसी कार्य में लगा हुआ है, किसी जॉब में है या व्यक्तिगत कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति उपद्रव में भाग नहीं लेंगे। किसी भी दंगे में भाग लेने वाले हमेशा ऐसे लोग जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते, घर तो उनका कोई मतलब नहीं होता, घर वाले भी उनको पसंद नहीं करते। जो किसी काम धाम में लगा हुआ है वो कभी इन सब चीजों में नहीं जाता। अधिकांश शहर जो नगर जो होते थे, नगरों में व्यापारिक व्यवस्थाएं होती थी, इसके कारण लोग या तो फिर खुद का अपना व्यापार कर रहे होते हैं या मजदूरी कर रहे होते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण रख पाना आसान हो जाता है, सॉरी नगर क्षेत्रों पर नियंत्रण रख पाना आसान हो जाता है। यही कारण था कि उन्होंने नगर के बसाने को प्रोत्साहन दिया और प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति से नगर बसाए जाए, और इससे ये सफल भी हुए। नगरों के जो कुछ महत्वपूर्ण नगर थे वो हम बता दें, उनके नाम महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे, चलिए ऊपर लिखते हैं नगर, क्योंकि नीचे जगह है नहीं, हो सकता है दिखे भी ना। तो आरंभिक काल के महत्वपूर्ण नगर, पहला नगर कार्थेज, कार्थेज के बाद सिकंदरिया एंटियोक, सिकंदरिया और एंटियोक, ये सभी इनके साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। अब जब नगर की बात होगी तो नगर में मैंने पहले बताया या तो व्यापारी वर्ग होगा या मजदूर श्रमिक दास होगा। तो इन नगरों के बसने के साथ ही साथ यहाँ पर कृषक तो है नहीं खेती करने के लिए, तो एक बड़े संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ। ये संभ्रांत वर्ग क्या, संभ्रांत का मतलब होता है धनी, पैसे से संपन्न। तो जब व्यापारी वर्ग है तो वो क्या होगा, पैसे से संपन्न होगा, व्यापार नगरों से नगरों को हो रहा है, नगरों से दूसरे क्षेत्रों को हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, इसका धन निरंतर बढ़ता जाएगा। तो इन नगरों के बनने से एक जो व्यापारी वर्ग था उसको लाभ हुआ और इसके कारण वह धन अधिक से अधिक कमा सका। इसके परिणाम स्वरूप एक सम्भ्रांत वर्ग का उदय हुआ। अब कौन हो गया, चार लोग हो गए, एस की पावर फोर यानी शासक, ठीक, शासक के बाद सैनेट, सैनेट के बाद सेना, सेना के बाद सम्भ्रांत वर्ग, ठीक। अब देखिए वहां तक हमने देखा था तीन घटक थे, अब मुख्य घटक कितने हो गए, चार। अब अगर आपको बताना है कि रोमन साम्राज्य के मुख्य घटकों की या रोमन साम्राज्य की आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, तो सिद्धांतों में आप उनके नियमों कानूनों तरीकों को व्यक्त करेंगे, जब घटकों की बात आएगी तो उसमें शासक सैनेट सेना और सम्भ्रांत वर्ग दे देंगे, इनका परिचय दे देंगे, इनका काम क्या था, ये क्या करते थे, ये क्या करते थे, सारी चीजें बताते जाएंगे और आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। अभी जो नगर होते थे यहां पर एक बड़ी विशेषता मिली है, यहां पर सार्वजनिक स्नान स्नान गृह मिले हैं। इससे यह पता होता है कि लोगों में सामंजस्य था, भले वर्ग विभाजन रहा हो जो है धन के आधार पर, लेकिन आपसी सामंजस्य था, तभी ऐसे सार्वजनिक स्नानागृह या स्नानागार मिले हैं। ठीक इसके विपरीत
जो ईरान की बात होती है, ईरान पर, ईरान में वहां के जो पुरोहित वर्ग था, वहां का पुरोहित वर्ग वह इस पर आपत्ति करता था। वह आपत्ति उनकी ये थी कि सार्वजनिक स्नान गृह नहीं होने चाहिए, इनके होने से जल अपवित्र हो जाता है। जल अपवित्र हो जाता है। अब उनका क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे समझते थे कि अपवित्र हो जाता है, कैसे नहीं होता है, वो तो वही जाने कैसे अपवित्र होता है सार्वजनिक स्नान गृह। लेकिन अब चीजें जो भी हैं, यहाँ पर था, प्रयोग होता था, मान्यता थी। यहाँ रोमन साम्राज्य में मनोरंजन के पर्याप्त साधन थे, मनोरंजन के पर्याप्त साधन थे। एक उदाहरण से पता चलता है कि वर्ष भर में 176 दिन कोई ना कोई जो है कार्यक्रम आयोजित होता था। यानी 365 में से 176 दिनों में कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य आयोजित होता था। तो इस तरह से ये आपका जो टॉपिक था आरंभिक काल का, वो पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो तीसरी शताब्दी का संकट, यानी तीसरी शताब्दी में ऐसा कौन सा संकट आया जिसके कारण पूर्ववर्ती और परवर्ती दो कालखंडों में विभाजित हो गया पूरा साम्राज्य। साम्राज्य की पूरी व्यवस्था के इतिहास को दो भागों में बटना पड़ गया या बांटना पड़ गया। कौन सा ऐसा दृष्टांत बीच में आ गया था, कौन सा ऐसा अवरोध बीच में उत्पन्न हो गया था जिसके कारण ऐसी स्थितियां बनी, वो हमारा थर्ड टॉपिक होगा, ये फोर्थ है। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक आएगा। इस आरंभिक काल को हम दो भागों में पढ़ेंगे, पहला शुरुआती दौर जो है उसका तीसरे पार्ट में, और फिर उसके बाद लास्ट का जो है वो चौथे पार्ट में हमने पढ़ा। ठीक, तो इस तरह से दोनों जब कभी कंफ्यूजन हो तो एक साथ वीडियो देख लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी, दोनों कॉम्पैक्ट है, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।